हेलो एट क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों आज आपका इंग्लिश ग्रामर का टर्न है, तो निकालेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक्स। तो बच्चों पेज नंबर 55 पर चैप्टर नंबर 10 प्रेपोजिशन विद देयर करेक्ट यूज। तो प्रेपोजिशन क्या होते हैं? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड होती हैं दैट शोज अ रिलेशन, जो कि रिलेशन यानी कि संबंध बताते हैं बिटवीन अ नाउन, एक नाउन में, और अ प्रोनाउन या फिर एक प्रोनाउन में, एंड सम अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस, और कोई अदर कोई और अलग वर्ड हो तो उसके साथ इस सेंटेंस का रिलेशन बिठाते हैं। जैसे कि कौन से होते हैं हमारे प्रेपोजिशन? इन, इज, इन, ऑन, एट, इनटू, ऑनटू, अलोंग, बहुत सारे होते हैं। तो हमारे प्रेपोजिशन के काइंड्स होते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तो जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होते हैं तो ये यूज करते हैं टाइम के एक्शन को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि दे वेंट टू लंडन इन मे, वो लंडन गए कब? मे में। तो इन मतलब इन, बताया इसने कि इन मे। अब मैं लिख सकती हूँ द वेंट टू लंडन में, नहीं, कब गए थे? इन मे। इसी तरह से वी शैल मीट अगेन एट होली, हम जो है होली पर दोबारा मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। दे इंडिकेट द प्लेस वेयर समथिंग इज लोकेटेड, जहां पर कोई चीज होती है। सपोज शी इज एट स्कूल, कि वो स्कूल में है, तो उन्होंने बताया, इंडिकेट कर रहा है ये एट, कि वो स्कूल में है। थ्री पर आएंगे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जैसे कि दे इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, ये किसी चीज की डायरेक्शन बताते हैं। जैसे कि द कैट जंप ऑन टू द सोफा, जो कैट थी वो किस पर कूदी? सोफे पर कूदी। तो डायरेक्शन बताया कि सोफे पर कूदी। तो इसी तरह से हमारे आगे हैं प्लेसमेंट बाय इन, इनका यूज होता है। प्रॉपर यूज ऑफ प्रेपोजिशन, ये तो आपको पता है। एट का यूज कहाँ किया जाता है? एट इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, जहां किसी टाइम के बारे में बात हुई, जैसे कि एट डिनर टाइम या एट 12 o'clock। पॉइंट ऑफ प्रिसाइज टाइम, जैसे कि कोई टाइम हो कि शी विल अराइव एट दिस टाइम, वो जब तक आएगी। और फॉर स्मॉल प्लेसेस, स्मॉल प्लेसेस जैसे कि मेरठ, छोटा, यूपी में, अगर यूपी की बात हो तो आप एट नहीं लगाएंगे। फॉर स्टेशनरी पोजिशंस, जो कि रुकी हुई अवस्था में, उनके लिए। इन एंड इन टू, इन मतलब अंदर जाने के लिए, इन टू उसके अंदर घुसने के लिए। ऑन मतलब कि किसी चीज के ऊपर। ऑन इज यूज फॉर द नेम ऑफ डेज, वीक, डेज के पहले लगा सकते हैं, मंथ के, डेट्स के। सरफेस व्हेन एवरीथिंग इज रेफर एट रेस्ट, मतलब ऐसे सरफेस पर जहां पर, जैसे कि आई पुट माई बुक, मैंने अपनी बुक को टेबल पर रखा, तो टेबल पर वो स्थिर है। नेक्स्ट है हमारा अबव एंड ओवर। अबव किस लिए यूज होता है? कि बहुत हायर थिंग पर हो तो अबव, एंड ओवर किसी के ऊपर से। मेट्रो ट्रेन पास्ट ओवर द ब्रिज, ओवर मतलब उसके ऊपर से। नेक्स्ट इसी तरह सिंस और फॉर का, दीज प्रेपोजिशन आर यूज फॉर शो टाइमिंग, शो टाइम के लिए यूज होती है। जैसे वी हैव बीन लाइकिंग हर सिंस बर्थ, हम उसे उसके जन्म से, सिंस मतलब जन्म से प्यार करते हैं। आई एम सॉरी फॉर कमिंग लेट, मुझे मैं लेट आने के कारण माफी चाहता हूँ। फॉर सेपरेशन, दो चीजों को अलग करने के लिए, द एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री, एप्पल जो है ट्री से गिरा, तो दोनों अलग हो गए, तो इसलिए फ्रॉम का यूज हुआ। इसी तरह से विद, ऑफ, और बिलो, अंडर, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट। बच्चों बिटवीन जब यूज होता है तो केवल दो चीजों की बात होती है, लेकिन अगर चार से पांच चीजों की बात हो व्यक्तियों की, सपोज हमें कोई चीज, मैं कहूं कि आई वॉन्ट टू, आई डिस्ट्रीब्यूटेड मैंगो एंड बनाना बिटवीन अपूर्व एंड आकांक्षा। और अगर अपूर्व आकांक्षा दो ही है, सपोज अब यहाँ तीन जने हैं, अपूर्व आकांक्षा और मानसी, सो आई वॉन्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट मैंगोज एंड एप्पल्स अमंग अपूर्व आकांक्षा एंड मानसी, तीन के लिए हम अमंग का यूज करेंगे। Besides, मतलब माई डॉग सैट बिसाइड्स मी, मेरा डॉग मेरे बराबर में बैठा। आई एट चपाती बिसाइड्स राइस, मैंने चपाती खाई किसके बजाय? चावलों के बजाय। इट डिनोट्स द मींस और एजेंट, अ मैन इज नोन बाय हिज एक्शन, एक व्यक्ति अपने चरित्र के कारण ही जाना जाता है। इसी तरह से ये हमारे थे। अब हम इसके हमारी एक्सरसाइज ही करेंगे। पॉज द वीडियो एंड डू योर एक्सरसाइजेस। ओके बच्चों, तो निकालेंगे अपनी हिंदी ग्रामर की बुक्स। कुल बच्चों आज आपका हिंदी व्याकरण का टर्न है, तो निकालिए अपनी हिंदी व्याकरण की बुक। बच्चों हिंदी व्याकरण की बुक में आज आपका चैप्टर 8 है विशेषण। ये है आपका पेज नंबर 46 पर। देखिए यहाँ पर विशेषण। बच्चों आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, विशेषण कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, हमारे शहर में मेला लगा, मेले में अनेक दुकानें हैं, उन पर तरह तरह का सामान है। तो अनेक तरह तरह का, ये सब हमारे क्या आते हैं? विशेषण के अंदर आते हैं। बच्चों विशेष्य, विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर
विशेषण शब्द के साथ आए संज्ञा सर्वनाम शब्दों की चार प्रकार की विशेषता बताते हैं। देखिए जैसे गुणवाचक विशेषण, बच्चों जो शब्द जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य के गुण दोष आदि से संबंधित विशेषताओं का बोध कराता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे मेरा स्वेटर काला है तो इसमें काला क्या है, गुणवाचक विशेषण है। उसका मित्र बुद्धिमान है तो बुद्धिमान इसमें गुणवाचक विशेषण है। अब देखिए यहाँ पर आइए संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य की संख्या या गिनती का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे बस में 20 यात्री हैं तो इसमें 20 क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। स्टेडियम में बहुत दर्शक हैं तो दर्शक क्या है, इसमें संख्या बहुत क्या है बच्चों, इसमें संख्यावाचक विशेषण है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए परिमाणवाचक विशेषण है, जो विशेषण अपने विशेष्य के परिमाण का या मात्रा का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे वह बाजार से 1 किलो आलू लेकर आया, मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, तो ये सब क्या है बच्चों, 2 मीटर और किलोमीटर 1 किलो क्या हुआ हमारा, क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द वाक्य के किसी संज्ञा शब्द के साथ आकर उनकी ओर संकेत करने का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे वे लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। सार्वनामिक विशेषण की पहचान 4 प्रकार से की जा सकती है, जैसे बात की निश्चितता से, जैसे यह घड़ी गरिमा की है, तो ये क्या है, निश्चित है बच्चों की घड़ी गरिमा की ही है। कोई बच्चा चिल्ला रहा है तो इसमें कोई आप किस आदमी से बात कर रहे हैं, तो इसमें किस, यह साइकिल मेरी है, वह साइकिल तुम्हारी है, तो यह वह इसमें सब क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर आइए बच्चों नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर है आपका प्रविशेषण। विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे 8वीं कक्षा का बहुत अच्छा परिणाम निकला, घोर परिश्रमी व्यक्ति सदैव सफल होता है, ये सब क्या है, प्रविशेषण है। अब देखिए विशेषण की तुलना और उनकी अवस्थाएं, जैसे मूल्यावस्था और उत्तरावस्था। बच्चों मूल्यावस्था इस विशेषण विशेष्य की सामान्य अवस्था बताता है। जैसे निकिता सुंदर लड़की है, ईशान अच्छा लड़का है। उत्तरावस्था में क्या होता है, चीता शेर से तीव्र दौड़ता है, इसमें तुलना की गई है। आदमी महिमा शिवानी से लंबी है। उत्तमावस्था क्या होती है, सबसे बड़ी, जैसे ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, तो इसमें भी एक तरह की बच्चों तुलना की गई है। अब आइए नेक्स्ट पेज पर देखिए यहाँ पर विशेषण शब्दों की रचना। संज्ञा से विशेषण शब्द की रचना होती है, सर्वनाम से विशेषण की रचना और क्रिया से विशेषण की रचना, अव्यय, देखिए यहाँ से अव्यय से विशेषण की रचना। अब आइए नेक्स्ट पेज पर विशेषण का रूप और परिवर्तन। तो बच्चों आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। बच्चों ये आपके देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज वर्क है, बच्चों आपका एक्सरसाइज वर्क बुक में ही है, तो आप एक्सरसाइज वर्क को अच्छे से देखेंगे करेंगे और अपनी नोटबुक में देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों अच्छे से आपको वर्क करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आइए नेक्स्ट चैप्टर पर। बच्चों आपका चैप्टर 8 हमने पढ़ाया था अभी, वो था विशेषण। अब है आपका क्रिया और काल, 9 चैप्टर है आपका। बच्चों देखिए यहाँ पर क्रिया, जिन शब्दों में किसी कार्य को करने या होने, किसी घटना के घटने या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का अवस्था का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। इस प्रकार क्रिया से आशय, देखिए यहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य का किया जाना, किसी घटना या कार्य का घटित होना, किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था का अवस्था या स्थिति। अब देखिए यहाँ पर बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, रोहित कई दिनों से बीमार है, ये लड़के मैच जीत गए, पुस्तक अलमारी में है। देखिए यहाँ पर बच्चों अब है क्रिया के भेद। बच्चों कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक का अर्थ होता है बच्चों कर्म के बिना, जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह दौड़ रहा है, तुम चल रहे हो, मोर नाच रहा है। अब देखिए यहाँ पर
हंसना, रोना, आना जाना, उड़ना, उठना, बैठना, चलना, भागना, तैरना, सोना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया क्या होती है? कर्म के साथ, जिस क्रिया को कर्म के साथ कर्म का प्रयोग किया जाता है उसे कर्म के प्रयोग की अपेक्षा रहती है, जिनमें कर्म के प्रयोग की अपेक्षा रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन फल खाता है, मुदित ने कविता पढ़ी, उसने दूध पिया, ये सब हमारे क्या है? सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया है फिर इनकी बच्चों। इसके बाद है रचना का या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। बच्चों सामान्य क्रिया, जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया, जो क्रिया पद दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब इसी के साथ देखिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से करवाता है तो उसे उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट पेज पर, काल। क्रिया के जिस रूप में उनसे घटित होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। कुछ क्रियाओं बीते समय में हो चुकी होती हैं, कुछ चल रहे समय यानी वर्तमान में हो रही होती हैं, तो कुछ आने वाले समय में घटित होती हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। कल हम दशहरा का मेला देखने जाएंगे, श्री राम ने रावण का वध किया था। काल के भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप में क्रिया के बीते समय में होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल के साथ देखिए यहाँ पर वर्तमान काल, जिस क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी या सामान्यता होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, संगीत वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। भविष्यकाल, देखिए यहाँ पर क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय में क्रिया के होने का पता चले उसे भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल के तीन भेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, आइए नेक्स्ट पेज पर, संभाव्य भविष्यकाल और हेतुमत भविष्यकाल। बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और इसी के साथ साथ देखिए आपकी एक्सरसाइज बुक में ही है। और बच्चों आप अच्छे से बुक का वर्क अपनी कॉपी में करेंगे और आपका वर्क वीडियो में ही है तो आप वीडियो अच्छे से देखेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए अच्छे से यहाँ पर, तो बच्चों आपका वर्क कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।